कोलार की मुख्य सड़क 222 करोड़ की लागत से 6 लेन होने जा रही है। बिना गड्ढों की यह सड़क जल्द ही चमचमाएगी। सड़क का अच्छा होना कितना जरूरी है, इसे कोलार के सिद्रा अपार्टमेंट निवासी शुक्ला परिवार से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। सड़क पर एक गहरे गड्ढे के चलते परिवार का इकलौता बेटा आदर्श पिछले 4 सालों से कोमा में है। अमूमन पिता बेटे का हाथ पकड़कर केक कटवाते हैं, लेकिन 7 साल के बेटे श्रेयांश ने 28 अक्टूबर को लगातार चौथी बार पिता के सामने उनके नाम से केक काटा और आदर्श की केवल पलकें झपक रही थी। बुजुर्ग माता पिता 24 घंटे देखभाल करते हैं, लेकिन कभी बेहद सुदर्शन रहा युवा का शरीर अंगुल भर भी नहीं हिलता। दवाओं और देखरेख पर हर महीने इतना खर्च होता है कि परिवार के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। एक हल्के अंधेरे वाले कमरे में हीटर की रोशनी आदर्श के चेहरे पर पड़ रही है। वह कभी आँख खोलता है तो कभी वापस बंद कर लेता है। बेटे सर पर हाथ फेरते हुए उर्मिला बोलती हैं, पहले मैं भगवान की पूजा उपवास पूरे परिवार के लिए रखती थी, लेकिन पिछले 4 सालों से सारी पूजा उपवास इसी के लिए कर रही हूँ कि भगवान मेरा बेटा ठीक हो जाए। पहले छठ पर बाहर जाती थी, अब परात में पानी भरकर सब परंपराएं यही निभाती हूँ। मुझे पता है भगवान मेरे साथ हैं, यह कभी न कभी अपने पैरों पर खड़ा जरूर होगा। आदर्श कॉल सेंटर में अधिकारी था। 27 सितंबर 2018 की रात कार्यालय से स्कूटर से लौटते समय कोलार रोड पर एक बड़े गड्ढे में गाड़ी का पहिया ऐसा धंसा कि बाहर निकला ही नहीं और स्कूटर ही पलट गया। हेलमेट लगाए होने के बावजूद आदर्श का सर डिवाइडर से टकरा गया। दिमाग में इतनी गहरी चोट आई कि कई सेल्स नष्ट हो गई और वह कोमा में चला गया। एक साल तक अस्पताल में इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने घर भेज दिया। तब से वह जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर है। बुजुर्ग माँ उर्मिला और पिता आर शुक्ला दिन रात बेटे की सेवा करते हैं और पत्नी प्राइवेट नौकरी कर जैसे तैसे परिवार को संभालती है। लगातार बिस्तर पर रहने के चलते आदर्श के शरीर में घाव हो गए हैं। हर एक दिन छोड़कर मेल नर्स उपकरणों की सफाई करते हैं। हर महीने टेक्सोटोमी आरटी कैथेडर जैसे उपकरण बदले जाते हैं तो हजारों की दवाइयां इंजेक्शन आते हैं। दुर्घटना के बाद परिवार को मुख्यमंत्री सहायता मिली थी, लेकिन बेहद महंगे इस इलाज देखभाल के लिए कहीं से सहायता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जब पूरा शहर नई सड़क का काम शुरू होने के उत्साह में डूबा है, तब एक बार देखा जाना चाहिए कोलार की पुरानी सड़क के जख्म तो अब भर जाएंगे, लेकिन इस सड़क से शुक्ला परिवार को जो घाव मिले हैं उन पर मरहम कैसे लगाया जा सकता है। बार बार दिन आए, बार बार दिन आए, तुम किए हजारों साल, साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू।